हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन पीले रंग का पदार्थ होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। बिलीरुबिन तीन प्रकार का होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से जुड़ता है तब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाता है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में आता है और प्रोटीन हटता है और ग्लूकुरोनिक एसिड नाम का शुगर एसिड उससे ऐड होता है तब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। टोटल बिलीरुबिन क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड प्लस कॉन्जुगेटेड को मिला के टोटल बिलीरुबिन कहा जाता है। बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है? बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 0.2 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होता है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 0.3 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है और टोटल बिलीरुबिन 1.4 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है। बिलीरुबिन किन कंडीशंस में बढ़ सकता है? तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस, दूसरा सिरोसिस, तीसरा हीमोलाइटिक अनीमिया, चौथा जब पित्ताशय में पथरी हो जाए, पांचवा बाइल डक्ट में पथरी हो जाए। बच्चों में बिलीरुबिन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला हीमोग्लोबिनोपैथीज, दूसरा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तीसरा इन्फेक्शन यानी संक्रमण। हीमोग्लोबिनोपैथीज का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो जाना, इसे हीमोग्लोबिनोपैथीज कहा जाता है। हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब होता है जब लाल रक्त कोशिका बहुत ज़्यादा टूटने लगती है, उसे कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। बिलीरुबिन टेस्ट डॉक्टर कब करने को बोलता है? बिलीरुबिन टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है, LFT कहते हैं। डॉक्टर LFT करने को तब बोलता है जब उसे यह शक होता है कि मरीज को लीवर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। जब डॉक्टर देखता है कि मरीज के शरीर में पीलापन है, शरीर में सूजन है, आंखों में पीलापन है या मरीज को खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तब वह लीवर फंक्शन टेस्ट कराने को कह सकता है। और लीवर फंक्शन टेस्ट में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और टोटल बिलीरुबिन देखा जा सकता है। ये था बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।